जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो विद्यार्थी का कमेंट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कमेंट किए हैं क्या सर जी यहाँ पर जो है जूनियर आकांक्षा फोर्टेक एग्जाम होगा या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं क्या इस साल जूनियर आकांक्षा फोर्टेक एग्जाम होगा या फिर नहीं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है कोरोना का एक नया वेरियंट आ गया है, वेरियंट का नाम है ओमिक्रॉन BF.7 जो है ये आ चुका है। इस पर जो है क्या इफेक्ट आ सकता है और आप लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि आपके एग्जाम रद्द होने वाला है या फिर होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोरोना से बचने का मैं कुछ आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, इसलिए वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें झारखंड बोर्ड की, सो देखिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आपका एग्जाम होगा या फिर नहीं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें झारखंड बोर्ड की यानी कि जैक बोर्ड की, तो दोस्तों जैक बोर्ड में ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो। ठीक है, सो आपका कैंसिल नहीं होगा, ये आपका एकदम मान के चलिए आपका एग्जाम जोरों से जोरों लिया जाएगा। सो आप लोग अभी तैयारी करनी है। ठीक है, और मैं बता दूं हर एक चीज यहाँ पर जो है आपका एग्जाम आपका 2023 में ही आपका एग्जाम लिए जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों का कंफर्म है। और साथ ही साथ बता दूं कि अभी BF.7 जो है जो मैं यहाँ पर बता रहे जा रहा हूँ कि जो कोरोना का नया वेरियंट आया है BF.7 जो है ये जो आपका बहुत ही जो है इफेक्ट पहुँचा रहा है हर एक देश में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी चीन में दोस्तों क्या चल रहा है, अभी अगर हम लोग बात करें चीन की, तो चीन में अभी जो है बहुत मरीज जो है कोरोना से जो है पीड़ित है। उसके बाद अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में भी ऐसा है, फ्रांस में भी ऐसा है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे देशों में जो है कोरोना जो है बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, हमेशा जो है मास्क का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दूरी को बनाए रखना है। ठीक है, और आप लोग क्या करिए, घर पे रहिए जितना हो सके। आप लोग क्या करिए, घर से पढ़ाई कीजिए और स्कूल भी जाइए। ठीक है, स्कूल में स्कूल से रिलेटेड जो एक न्यूज़ आया था, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिए हैं, आप लोग उस न्यूज़ को देख सकते हैं कि जो है जनवरी से आपके स्कूल में मास्क लगाना अनिवार्य हो जाएगा और आप लोग मास्क पहन करके आप लोग स्कूल जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बुखार वगैरह आता है तो आप लोग स्कूल नहीं भी जा सकता है, ये जो है पेपर का अपडेट लिखा गया था। सो मैं यहां पर क्लियर करा दूं कि जूनियर आकांक्षा फोर्टेक का जो एग्जाम है ये निश्चित रूप से होगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको तैयारी अच्छे तरीके से करना है। जैसे ही जो है इसके बारे में कोई अपडेट आता है, मैं समय पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक अपडेट जो है आप लोगों को समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो जो है मैं यहां पर जो बता रहा हूं ध्यान से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द आ जाएगा, इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई को एकदम लगातार रखना है। साथ ही साथ मैं तैयारी तो अच्छे तरीके से करा ही रहा हूँ, जनवरी में बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा खुशखबरी मैं आप लोगों को दूंगा जो है आकांक्षा फोर्टेक से रिलेटेड। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, है ना, और आप लोगों के लिए जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का भी वीडियो लाऊंगा, इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, सिर्फ आप लोग पढ़ाई कीजिए। देखिए ये एग्जाम बहुत ही बड़ा एग्जाम होगा, सो इसमें कितनी सीटें हैं इस पर एक बहुत ही डिटेल का वीडियो आएगा जहां पर मैं बताऊंगा यहां पर कितना सीटें हैं। ठीक है, आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कितना विद्यार्थी जो है इस फॉर्म को भरा है, मैं हर एक चीज़ बताऊंगा। सो दोस्तों, उससे पहले अगर चैनल पर नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, सो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आपका एग्जाम रद्द नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इस भरोसा में नहीं रहिएगा, आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला। अभी कोरोना का जो है माहौल जो है इतना बड़ा नहीं है, आप लोगों का एग्जाम निश्चित रूप से होगा। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन थे, इसलिए मैंने बता दिया वीडियो बना करके ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।